एक दिन भगवान ने सोचा कि थोड़ा रुक्मणी को नाराज करूं, मैं देखूं नाराजगी में ये रुक्मणी लगती कैसी है। तो भगवान ने बहुत सुंदर रुक्मणी के साथ यहां पर संवाद किया। भगवान ने कहा, देखो रुक्मणी, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? क्या योग्यता तुमने हम में देखी? न हम सुंदर हैं, न हम कहीं राजा हैं, न हम कहीं सूरवीर हैं, न हमारे कुल खानदान का पता है, न हमारे अंदर कोई गुण है। कहो कि नाम की बात तुम करो तो नाम भी हमारे पास कुछ नहीं है। वो भिक्षुक लोग हमारा नाम लेते हैं जिनका कोई और काम है ही नहीं। ना हमारे पास नाम है, न दाम है, न धाम है, न कुल है, कुछ भी तो नहीं है। फिर तुमने हमसे विवाह क्यों किया? नाम सुंदर है, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? रुक्मणी ने कहा, भगवान आप ये कैसे कह सकते हो कि आप कुछ नहीं है? भगवान, दुनिया में सबसे ज्यादा लायक यदि कोई है तो आप ही तो लायक हैं, बाकी तो पूरी की पूरी दुनिया नालायक ही नालायक है। आप हम अपने जीवन को देखें, वास्तविकता से देखें, सच्चाई के साथ देखें, तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं नालायकी झलकती झलकती है। लायक कौन है? जिसका जीवन परिपूर्ण है वो लायक है। हमारा जीवन परिपूर्ण है तो हम भी कहीं ना कहीं नालायक ही हैं। बाबा तुलसी ने लिखा है, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, पुनि मन मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। सब लायक यदि कोई है तो कौन है? भगवान, बाकी तो सब नालायक है। तो भगवान आपको नहीं वर्ण करती तो मैं किसे वर्ण करती? आप कहते हैं कि आप राजा नहीं हैं। राजा कौन होता है? बड़ा राजा कौन होता है? बड़ा राजा वो होता है जिसके पास ज्यादा लक्ष्मी हो और पृथ्वी हो। और ये दोनों कौन हैं? ये आपके चरणों की दासी आपकी पत्नियां हैं। भूदेवी और श्रीदेवी ये आपकी दासियां हैं, आपकी पत्नियां हैं। तो आपसे बड़ा और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि आप भाग करके समुद्र में आ गए। कौन सा समुद्र? ये पानी वाला समुद्र नहीं। आप समुद्र में रहते हैं लेकिन कौन से समुद्र में? भक्तों के हृदय रूपी समुद्र में आप आकर के निवास करते हैं।